अम्मा जी कैसा था सरप्राइज? टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू वेट इधर लेफ्ट में सेंटर में फुल लेफ्ट थैंक यू हेलो हाय ये तो पुरानी बात है, ये तो पुरानी चीज है, कुछ नई चीज बताओ। आज मतलब कम लग रहे हैं, मम्मा कम लग रहे हैं, आज बड़ी सिस्टर लग रही है। अच्छा, थैंक यू। क्या कुछ प्रिपरेशन किया था आज आपने? एक्चुअली मम्मा को ये ड्रेस हमारे बर्थडे पे पहनी थी, 24 दिसंबर को इनका बर्थडे था, हमने अपनी ड्रेस खुद 24 को पहनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया था, तो हमने सोचा आज इन्होंने बोला मम्मा आज हम भी अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन रहे हैं और आप भी वही पहनी जो आपने स्टिच करवाया था, तो हमने वही पहना। जस्ट वोर इट। थैंक यू सो मच। प्लान कर रहे थे ना, हम घर में टिके नहीं आज। मम्मा के आज फ्रेंड आई हुई बचपन की, उन्होंने संभाले मम्मा को बाहर थे नहीं, बट कल ब्रिंग इन करा है रात में, ब्रिंग इन करा तो रात को केक कटिंग हुआ एंड दे ब्रॉट सम ब्यूटीफुल रेड बलून्स। तो और मैंने एक बहुत एक नई चीज़ कल करी है, अशनूर कौर ने मुझसे करवाई, शी गेव मी अ बलून एंड शी टोल्ड मी टू मेक अ विश एंड देन थ्रू इट अवे, यू नो, उसको ऊपर छोड़ने के लिए, फ्लाई अवे इन द स्काई। सो आई मेड अ विश, आई जस्ट होप वो पूरी हो। हाँ जी, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये लोग खुद इतना बिज़ी रहते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं ये लोग खुश खुद भी, और उसके बावजूद भी ये सबके लिए टाइम निकालते हैं, तो आई फील वेरी वेरी मच प्राउड, यू नो। अभी अभी हम नहीं बताने वाले कुछ भी, अभी ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया मम्मी को, नहीं बट अभी ऊपर जाके देखेंगे, ऊपर जाके देखते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, नया साल है, नए प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल आने वाले हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। कर रहे कि सॉन्ग आप लोगों को आना चाहिए, हां जी, हमेशा आप जब भी सॉन्ग आते हैं तो हमेशा धमाका हो जाता है, तो नए सॉन्ग के लिए कुछ बता दीजिए फैंस के लिए। नया सॉन्ग बताओ, नया सॉन्ग नहीं बताना, अभी कुछ दिनों में आने ही वाला, आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉन्ग का क्या हुआ इसके बारे में? बहुत खुशी से अपना, मुझे आई जस्ट लव राखी अ लॉट, आई जस्ट अडोर हर, शी इज सच अ प्योर हार्टेड पर्सन, सच अ प्योर हार्टेड पर्सन, सो आई जस्ट लव हर, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर कि उनकी लाइफ अब बहुत अच्छे से जाए आदिल के साथ। आंटी का बर्थडे है और यू नो इट्स अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, किसी उन्हें नहीं पता है कि हम सारे लोग आज यहाँ पर मिलने वाले, सेलिब्रेट करने वाले उनका बर्थडे, इट्स कम्प्लीटली सरप्राइज, यू नो सरप्राइज प्लान्ड बाय सुरभि एंड समृद्धि, और मुझे क्लियरली बोला गया था कि आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज उनका ऐसा सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस हर विद एवरीथिंग, ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। और यू नो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे और पार्टीज़ और गणपति और एनी फेस्टिवल, हम लोग सब साथ में मनाते हैं, तो आज वो वापस से ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पर हम लोग साथ में मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। डेफिनेटली अगर पेरेंट्स की बात आती है, मॉम के बर्थडे की बात आती है, तो
सरप्राइज़ तो माइंड में रहता ही है कि कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए अपने मॉम को, या फिर कुछ ऐसा उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो जैसे आज ये एक ओकेजन है जहाँ पर सुमति आंटी को नहीं पता है दैट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, तो या हर किसी को स्पेशल फील करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को और अपनी मॉम को तो ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप और धीरे 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 करके मैं लोगों के सामने सरप्राइजेस खोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आया था ज़रिया तू, लोगों को नहीं पता था उस बारे में, मैंने अचानक से पोस्ट किया था। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स है। अभी वो कलर्स का एक कैंपेन भी वी डिड इट टुगेदर, कलर सोशल स्क्वाड, किसी को पता नहीं था उस बारे में। सो एक दो प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप है, अगर वो वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना रिवील इट टू ऑल। बिग बॉस बीच बीच में थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीटली यू नो नहीं हो पाता हूँ इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मैं देखता हूँ, उसके ग्लिम्सेस मुझे नज़र आते रहते हैं। अभी रिसेंट वाला जो टीना की मॉम आकर हाँ श्रीजिता को गलती से उन्होंने पीछे से हैक कर लिया था, तो दैट वॉज अ हिलेरियस एपिसोड और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। राइट राइट, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोगों को ये चीज़ देखने मिल सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा है जो ऐसा शो है जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रहा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यू नो अगर मुझे वक्त वो अलाउ करेगा कि मैं जा सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल गो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है, और यहाँ पर सारे कलाकार जितने भी एक्टर्स हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियन रखने चाहिए, बट आप लोगों को नफ़रत यू नो अपनी हेटरेट बाहर नहीं निकालना चाहिए, नीदर ऑन सोशल मीडिया नॉर इन रियल लाइफ। आप बस टीवी के जितने भी शोज़ हैं वो आप देखते रहिए, एंटरटेन कर यू नो होते रहिए, और हम अपने दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नया नया कुछ ना कुछ लेकर आए। बट ये सारी चीज़ें जो ये बॉयकॉट और बंद करो और ये जो हेट ये जो फैल रही है ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो बिहाइंड द कैमरा जो वर्क होता है ये बहुत मेहनत का काम होता है, ये आसान नहीं होता है, एक शो को बिल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी हमें इनक्रेज करना चाहिए, जनता को इनक्रेज करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ भी होते हैं, तो उसे देखते हुए प्लीज़ हमें आप इनक्रेज करते रहिए और अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा।